ये पिन ये इसके साथ कनेक्ट करनी है, मतलब ये समझो कि ये हम 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। ये सिरा इसमें लग जाएगा और ये सिरा इसमें लग जाएगा, तो क्या होगा उसमें जो पावर आता है बैटरी का, उस ये पावर जाएगा इसके अंदर रिले के अंदर, और जब रिले ऑन होता है तब भी जाके पावर मिलेगा पीडब्ल्यू के, तब भी जाके प्रोडक्ट स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं इस दोनों वायर की। इसमें ब्लैक वायर है वो आपको करना है अर्थ, और ये जो रेड वायर है तो ईसीएम वाली गाड़ी में दो आंसर होते हैं, दो जगह पर ऐसा पॉइंट मिलता है हमको कि वहाँ से जब इंजन स्टार्ट होता है तब भी जाके पावर ऑन होता है। तो एक होता है अल्टरनेटर जो हमारा बैटरी चार्ज करता है, बट अल्टरनेटर में से आपको एक नया सिरा मतलब एक नया वायर डालना पड़ेगा, वो आप वहाँ से रेड वायर को कनेक्शन करके इस रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट जब अल्टरनेटर स्टार्ट होगा तब भी जाके ये पावर ऑन होगा। एंड दूसरी जगह ये होती है कि ईसीएम वाली कार में हमारा जो फ्यूज डिवाइस होता है वहाँ पर जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तब भी जाके ऐसा एक पॉइंट होता है कि वहाँ पावर ऑन होता है इंजन स्टार्ट होने पर, और इंजन ऑफ होने पर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है। तो वो आपको सब कार में अलग अलग होते हैं, वो आपको वहाँ से छोटा जो मल्टीमीटर आता है उसे चेक करके वो वायर ढूंढना है, और जो रेड वायर है उसको वहाँ कनेक्ट कर रहा है, ब्लैक वायर को अर्थ करना है, तो ये अपना ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं ये इनेंसर की। ईसीएम वाले कार या अदर व्हीकल होता है तो उसमें लगाना है ऑटो सेंसर के जगह पर अटैचमेंट होता है। ऑटो सेंसर को खोल के ऑटो सेंसर अपना जो साइलेंसर में ऐसे लगता है, साइलेंसर में आता है एग्जॉस्ट में, तो ऑटो सेंसर को खोल के सेंसर को अटैच करना है यहाँ पर, ठीक है, और ये अपना निम्पल उसके साथ इनेंसर अटैच करना है, बड़ा हो जाएगा। फिर वहाँ से जहाँ से हमने खोला है वहाँ फिर इसको लगा देना है, मतलब इतना अपना सेंसर एग्जॉस्ट से दूर हो जाएगा, तो जो सिग्नल मिल रहा था वो कम हो जाएगी, और सिग्नल कम हो जाएगी तो पेट्रोल हमारा ऑटोमेटिक कम करेगा। अब बात करते हैं मैप सेंसर की। मैप सेंसर क्या होता है, एयर फ्लो का कैलकुलेशन करता है, उसकी जगह पर ये हमने डिवाइस बनाया है ड्यूल जो आप देख रहे हैं, ड्यूल ऐसे सो मैप इनेंसर। मतलब इसकी बात करते हैं, ये अपना ऑन मतलब ये सिग्नल को थोड़ा कम करके काम करेगा। ऑफ, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जो हमारा कंपनी का सिस्टम था जैसे कि कार ने बनाई जो सिस्टम, वो ऑटोमेटिक ऑफ होने पर कनेक्ट हो जाएगी। ऑन करने पर ये जो पावर चल रहा था मैप सेंसर में वो यहाँ ये सर्किट के अंदर से जाएगा और सिग्नल कम करेगा। अब दो सिस्टम है, एक तो ये सिटी में करना है, तो यहाँ समझो कि हमने ये से सिटी का सेट किया तो ये सिटी हो गया। अब हाईवे पे आपको जाना है, स्पीड से कार चलाना है, तो माइलेज थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको हम एक दूसरा एग्जांपल देते कि ये हाईवे पे ट्यून किया हमने, तो ये हाईवे वाला करना है तो ये सेट हो गया। इसको बार बार नहीं हिलाना है, करना क्या है स्विच को ऐसे आगे पीछे करना है, या आप अपने डैशबोर्ड या अदरवाइज वहाँ पर रख सकते हैं। अब उसकी वायर की बात करते तो ऑलरेडी वायर का एक स्टिकर यहाँ पर हमने लगाया है कि जो रेड वायर है वो मैप से सिग्नल वायर होता है उसको काटना है, अभी मैप में से जो सिरा निकलता है वहाँ देना है रेड वायर। उसके बाद आता है ग्रीन वायर, जो ईसीयू की तरफ से आता है जो सिरा उसके साथ ग्रीन वायर को अटैच करना है, और तीसरा वायर आता है ब्लैक जो आपको ग्राउंड देना है, तीन वायर आते हैं इसके साथ, ठीक है। तो इसका अटैचमेंट ये है, अदरवाइज ये भी कोई इतना नहीं बड़ी बात है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा था मैप इनेंसर। अब बात करते हैं एक्सेसरीज की, तो ये क्लैंप है जो उसको आप अपने हिसाब से इस बोतल के हिसाब से आप उसको मोड़ के बॉडी में आप बोतल को अटैच कर सकते हैं, ऐसा एक दूसरा क्लैंप जो इस बोतल को कनेक्ट करना है। अब ये अपना नैनो के अंदर फ्रंट साइड में लगेगा, बट ये बबलर लगेगा इंजन कंपार्टमेंट में, कहाँ पर लगेगा इंजन कंपार्टमेंट में। उसके बाद थोड़ा बहुत ही अपना इंजन दूर होगा,
जो इतनी पाइप से काम चलाना है, ठीक है, क्योंकि बबलर एकदम इंजन कंपार्टमेंट में आता है। अदरवाइज ये प्रोडक्ट आप फ्रंट में साइड में लगाओ, मतलब गाड़ी के अगले हिस्से में, जो नैनो में इंजन पीछे आता है, आगे स्पेस होता है, तो ये पूरा डिवाइस आगे लगा दो, बबलर ओनली पीछे लगा दो, और ये चेक वाल्व एकदम नज़दीक, एयर इतना ही रहना चाहिए। यहाँ इंजन अपना है तो लगभग आप 5 से 10 इंच की पाइप छोड़ो, इतना नज़दीक है, चेक वाल्व लगाओ। उसके साथ इसको कनेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक बोल्ट है, इसमें आपको होल नहीं करना है, डायरेक्टली ड्रिल लगाओ तो होल भी हो जाएगा एंड थ्रेड भी लग जाएगा। और केओस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आते हैं, ये पूरा नहीं डालना है, उसके हिसाब से जो मैनुअल में लिखा गया है उतना ही डालना है, ये ज़्यादा दिया है क्योंकि दूसरी बार आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम समझो कि आपको पानी सर्विसेज करना है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है सेल का, ये पाइप आप यहाँ से निकाल दो तो पूरा पानी निकल जाएगा। ओनली वाटर टैंक को ही आपको, सेल और वाटर टैंक का ही पानी साफ़ करना है, बबलर को कुछ साफ़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम लाइफ की बात कर रहे हैं, अभी इसमें जीप टाई आती है, ये जो बड़ी जीप टाई है 12 इंच की, ये लगाना है, PWM के साथ कनेक्ट करना है, और छोटे 8 इंच की है, अदरवाइज आपको वायर की जगह पर अटैच करना है। अभी ये पाइप दिया हमने ऊपर का, जो इंजन कंपार्टमेंट में जो आप पाइप लगाते हैं इसके ऊपर इसको डाल देना है, इसको सेफ्टी के लिए, क्योंकि कहीं जगह पर हीट होता है इंजन तो ये जल ना जाए, इसके लिए ये सेफ्टी के लिए दूसरा पाइप ऊपर का देता है। और ये अपना पाइप है जो वाटर टैंक से लेके बबलर तक पहुंचाना है, और बबलर से लेके चेक वाल्व का ये PU पाइप है। तो ये नैनो कार के लिए इतना पूरा सिस्टम आता है, फ्यूल सेवर है ये किट, हाइड्रोजन फ्यूल सेवर किट, RHD फ्यूल टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग को 2 व्हील से लेके 20,000 cc इंजन तक काम कर रहे हैं। ये आप 500 to 700 cc कार या टेम्पोज या छोटे व्हीकल के लिए ये पूरी किट है। तो ओपन डेमो था कि कस्टमर कैसे इसको अटैच कर सके, कैसे काम कर सके, बट उसके लिए एक डायग्राम भी आएगा मैन्युअली, एंड अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, हम यहाँ बैठे बैठे आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच RHD फ्यूल तरफ, RHD फ्यूल टेक्नोलॉजी की तरफ से। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ये घंटी है उस पर एक क्लिक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।